न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जीएम अस्पताल हमेशा ही अपनी आलोचनाओं के लिए अखबारों में, मीडिया में मशहूर है। हमेशा ही गलत खबरों में ही इनको प्रसिद्धि मिलती है। तो मैंने आज यहाँ के सुपरिंटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हैं, उनसे मैंने बात किया कि आखिर इसमें सुधार होगा कैसे। यहाँ तो मंत्री जी के प्रतिनिधि ठीक सुपरिंटेंडेंट के कमरे के सामने ही बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं, तभी अस्पताल की हालत है। दुर्भाग्य है कि 5 साल तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 5 साल तक यहीं के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर अस्पताल में सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन चीज़ों को 2018 में तय किया गया था, आज तक वो यहाँ लागू नहीं हो सकी। वो लागू हो गई होती तो स्थिति बेहतर रहती, और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 साल लगेंगे तभी जाकर इस अस्पताल में सुधार हो सकता है। एक तो यहाँ की क्षमता कम हो गई है, पुराने भवनों को तोड़कर नया भवन बन रहा है, बहुमंजिला भवन बन रहा है, अब वो 3-4 साल लगेगा बनने में। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक यहाँ सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने दिमाग से काम लेते हैं कि केवल दवा खरीदना, मशीन खरीदना, इसका टेंडर निकालना है उनको, और जो भी गलत काम हो सकता है वो करना है। अस्पताल पर ध्यान नहीं देने के कारण ही इसकी आज दुर्दशा है। दार हैं अस्पताल को बेहतर चलाने के लिए, वही लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। कहावत है कि भूत भगाने के लिए हम सरसों छींटते हैं, सरसों में ही भूत बैठ जाएगा तो क्या होगा। आज वही हालत हो गई है कि जो मंत्री अपने प्रतिनिधि को यहाँ रोज़ सामने एक बड़ा कमरा लेकर अनधिकृत रूप से बैठाते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, मंत्री को खबर होती है कि नहीं होती है, तो पूरी जिम्मेदारी इस अस्पताल को बर्बादी को ले जाने में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का है। स्वास्थ्य मंत्री का कोई भी ध्यान अस्पतालों के उन्नयन पर नहीं है, केवल MGM ही नहीं, कहीं का भी नहीं है। केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना और गलत काम करना और वसूली के नए नए तरीके निकालना सुनकर आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मगजमारी करके भी अस्पताल की स्थिति नहीं सुधार सकते हैं। 50 बेड इमरजेंसी में है, 80 मरीज इमरजेंसी में आ जाते हैं, क्या स्थिति है आप देख रहे हैं।